खत्म हो गया ना पूजा, आरती नहीं उतारी थी, अब उतार दो। आरती उतारना भूल गई थी पूजा करते करते। देखो अब शगुन क्यों हो रहा है पूजा में, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, बाकी ये वाला रहा हमारा देवता घर जिसमें करवा चौथ का पूजा होगा, और ये रही हमारी वाइफ जो कर रही है पूजा। बाकी इधर कुछ आइटम, इधर कुछ आइटम, और फल इसमें कितना 5 गो चढ़ाया जाता है ना, आपकी क्षमता अनुसार। किसी भी पूजा में भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी क्षमता से करेंगे, बट हाँ उतना चढ़ाना चाहिए। एक शुभ शुभ नंबर माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो 5 किस्म का प्रसाद और 5 किस्म का मिठाई भी। तो उधर वो रहा प्रसाद, अभी इधर कुछ इधर कट रहा है, इधर है ऐसे खुलता चढ़ाने के लिए, बट इधर है वाला। और सुन हाँ, और वो वाला जो ये करवा चौथ वाला मूर्ति है ना, वो फोटो, वो हम लोग शायद वहीं का है ना, गुजरात वाला, वो पिछला साल वाला यहीं है हम लोगों के पास। तो अच्छा है कि भगवान है हमारे साथ। बाकी और क्या क्या तैयारी हो रहा है, बाकी अभी घर वाला पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ का पूजा कंप्लीट करके निश्चिंत रहेंगे जब चांद आएगा तब, चांद वाला पूजा। लेकिन दादी अभी से ही हड़बड़ाई है कि कहीं यहाँ के बोलने जाके चांद देख लेगो, चांद देख लेगो। अभी तक चांद उगा नहीं है लेकिन दादी पटना है। और बाकी इधर जो बनने वाला था पूरी, तो पूरी ये रहा, दली पूरी बन रहा है। मम्मी छाड़ देख परा दे हाथ पर, हम और ये जो हाथ पर मोबाइल धैले हैं, ये मोबाइल धैले तो छोड़ दी पड़ गल तो हम कढ़ाई के सामने ले जाला। वो दिखा रहे थे जब तक पड़ गया। बाकी उधर मछली मम्मी भर रही है खीरवा के, खीर दिखा दे जल्दी इसने तो नहीं, इधर खीर। लेकिन और इन्हें सब्जी दिखा दे एक बार, अगर सब्जी हो गई तो। और इधर सब्जी बना है सोयाबीन आलू का, तो ये हो गया। आ बचपन ऊपर ऊपर खाली सोयाबीन तैर रहा है। आ बचपन में बनता था तो हम तो लड़का थे जब तक बनिए रहा था तब तक लग रहा था कि खा ले खा ले। तो इस बार नीरज का काम, नीरज भूख लगला हूँ। तो नीरज अंदर से बोल रहा है कि जल्दी इतना कब बनते कब बनते खाएं, लेकिन जब तक पूजा खत्म नहीं होगा तब तक कैसे हो। तो अभी पूजा चल रहा है और दादी इधर परेशान है कि क्या कही तेरे अभी उग जता ही। अभी ना खाई उगल, अभी ना खाई उगल चांद, पूछ के आवे पड़ी कि कब उगता ही। अभी नहीं हुआ है चांद, लेकिन दादी परेशान हो रही, दादी थोड़ा ऊंचा सुनती है। और बाकी ई रूम में एडिटिंग चल रहा है, एक वही है रघु और इधर विशाल। विशाल आज दिन भर परेशान है बेचारा, खाना पीना कुछ नहीं खाया है, ये सोच के कि करवा चौथ हो रहा है तो रात डायरेक्ट रात को खाएंगे। बाकी अभी सोनाली इधर पूजा शुरू कर दी है, और यहाँ पे ये रहे हमारे देवता घर। बाकी अभी थोड़ा सा शायद तुमको गर्मी ज़्यादा लग रहा है, तो एक्सटेंशन बोर्ड लेके आए, पंखा लगा देते हैं। लेकिन जिस साइड में अगर तुमको ये जलाना होगा ना, तो हम भी वही बोल रहे हैं कि जिस साइड में दिया जलाना होगा उसके अपोजिट साइड में बार देंगे, ठीक है, इधर लगा देते हैं। बाकी करवा चौथ की तैयारी में पूरा तैयारी हो गया था, पूजा पाठ भी आधा हो गया है, आधा मतलब कितना भी होना था वो हो गया है। उसके बाद का जो पूजा पाठ बाकी है, उससे पहले अभी सोनाली को याद आया कि पाँव भरना रह गया था, तो पाँव भर रही है अभी। और इस साइड में ये बैठ के पाँव भर रही है, और इस साइड में मछली मम्मी मम्मी मिल के खाना बना रही है, तो इधर बन रहा। बाकी मम्मी इतना मेहनत से खाना बना रही है, तो हम आप लोग को बोल रहे हैं मम्मी के चैनल पर जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम है खाना वाला फूड ब्लॉग, उसी के चैनल पे। तो सोना सोनू के मम्मी पे जाके देखिए, और जल्दी से 100-200 सब्सक्राइबर कम है, अगर पूरा कर दीजिएगा तो 1K वाला पार्टी देंगे। बाकी हर पूजा में जैसा होता है वैसा इस पूजा में भी है कि जो घर का पकवान बनता है, तो पूरी खीर जो बना है वो भगवान पे पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद लोग खाते हैं, ऐसा ही है ना। चढ़ता है इसलिए बना ही है आज, बाकी ऐसे खाते हैं लोग, बट आज चढ़ाने के लिए ही बना है, और उसके बाद में फिर डिनर में भी है। और भगवान पे चढ़ाने के लिए जो भी प्रसाद बना हुआ था, वो प्रसाद सोनाली हमारे देवता घर में जितने भी भगवान थे सब पे चढ़ा के पूजा को स्टार्ट करने वाली थी अभी। तो अभी पूजा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सोनाली ये
किताब पढ़ोगी ना, इसमें कथा पढ़ोगी तो अभी कथा पढ़ेगी। इसके अलावा जो भी पूजा का होता है वो सब अभी हो गया है और अब कथा शुरू होगा। तो अभी फिर जब तक कथा पढ़ रही थी सोनाली तब तक कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और उसके बाद अभी मोबाइल में आरती बजा के सोनाली आरती कर रही है। अभी यहाँ पे आरती भी हो गया था और कथा पढ़ना जो था वो भी हो गया था। तो अभी मतलब देवताघर में जितना भी पूजा होना था करवा चौथ का वो पूजा हो गया था। तो अब लास्ट में करवा चौथ के पूजा में होता है कि जब पूजा ख़त्म हो जाता है तो पानी ऐसे दिया जाता है, तो ये पानी दे रही थी और पानी देने के बाद अभी छत पर एक बार गए हम, जब देख के आ गए तो चाँद उग गया था। तो यहाँ का पूजा ख़त्म करके सोनाली सब सामान सरिया के छत पे अभी चलने का हम लोग का था कि छत पे एक बार चल के जस्ट जो चंदा मामा का पूजा होता है वो ख़त्म करके पानी पिला के उसके बाद सब देखा जाएगा। अभी करवा चौथ का जो पूजा होता है देवता घर में करना होता है करवा भगवान के सामने, वो हो गया ख़त्म, आरती वगैरह सब कुछ हो गया। अभी अब ये सब लेके और कुछ लेके जाना है तो अब ये सब कुछ लेके चलनी लेके ऊपर चल रहे हैं, सोनाली को पानी पिलाना है। इधर का पूजा पाठ खत्म हो गया तो दादी को बोले कि अब तुम खाना खा सकते हो, तो बोले ने पहले मेहरारू के पानी पिया लो ओकरा बाद खाए। तो अब चल रहे हैं ऊपर चांद देखने और अभी नीचे का पूजा खत्म करके आने के बाद ऊपर में अब सोनाली पूजा कर रही है। बता दो कि क्या क्या कर रही है यहाँ पे। ऊपर में ज्यादा कुछ नहीं है, चांद को अर्घ देना होता है तो प्रसाद इधर रखा हुआ है, इधर में जल लेने के लिए कड़वा रखा हुआ है और उधर पीने वाला पानी है। और करवा चौथ हमारे घर पे कोई और नहीं कर रहा तो इसके लिए मझली मम्मी, बड़की मम्मी, मेरी मम्मी सब कोई देख रही है कि आखिर होता कैसे है करवा चौथ का पूजा। तो ये लोग अभी देख रही है और करवा चौथ के पूजा में ये लोग का भी कोई बड़ा ही काम है। तो ये लोग आए हैं सूट के लिए, ये जो आज सूट करेगा अगला साल डालेंगे हम लोग। आवा आवा बैठो एक जगह बैठ जा, आराम से देखते रहियो। और अभी पूजा स्टार्ट हो रहा था तो चंदा मामा उस टाइम आ गए थे, अभी पूरा चारों तरफ घूम के देख रहे हैं वापस से कहीं गायब हो गए। इंतजार कर रहे थे कि मझली मम्मी आएगी तो सब कोई बैठ के देखेगा तब पूजा स्टार्ट होगा, जब तक चंदा मामा ही गायब हो गए। अब का प्लान? अब आएंगे चंदा मामा किसी को पानी पिला के तब तो उसके बाद फिर से कार्यक्रम चालू होगा। अभी अब सब कोई बैठा है कि देखेंगे पूजा, जब तक पता चल रहा है कि ऊपर कहीं दिख ही नहीं रहे, ऐसे बादल आया था घिर के चले गए। तो अब दोबारा से इंतजार कर रहे हैं बैठकर। बाकी पूजा अपने जगह पे और ये लोग का सूट अपने जगह पे, लाइट ले लेके लगे हुए हैं सूट पर। धीरे धीरे उग रहे हैं चंदा मामा, तो अब इस साइड से पूजा होगा और इन्ने से देखने वाले लोग देखते रहेंगे। चलिए पूजा शुरू करवाते हैं अब जल्दी से। चलो सोनाली पूजा शुरू करो, नहीं तो दोबारा अगर गए तो फिर नहीं आएंगे। कैसे करें, हमसे ज्यादा आपको बता भी होगा पीने का पानी नहीं, हमको पिलाना है ना।
उधर रहे चांद और जो चांद के पूजन में प्रसाद वगैरह चढ़ा था वो सब उधर है और इस साइड सोनाली खत्म हो गया ना पूजा। आरती नहीं उतारी थी, अब उतार दो। आरती उतारना भूल गई थी पूजा करते करते। लेखो अब शगुन क्यों हो रहा है पूजा में, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, तो बाकी अब चल रहे हम लोग नीचे, हो गया पूजा पाठ। हम लोग आए थे पूजा पाठ के लिए, ये लोग आया था सूट के लिए, तो ये लोग कर दिया और चलते हैं नीचे। मैं अब देखते हैं डिनर करने। तो जो सासू माँ को साड़ी दिया जाता है, हम नहीं जानते आपके यहाँ कैसे होता है, बट इतना तो सबको पता है कि थोड़ा बहुत रिचुअल्स इधर उधर होता है। तो हम लोग के यहाँ पूजा के बाद दिया जाता है, पूजा जब खत्म हो जाता है, और हर साल हम बाहर में ही रहे हैं शुरू से ही, बट इस साल है तो पूजा के जस्ट बाद दे पा रहे हैं। तो हर साल करवा चौथ करके उसके बाद जब छठ पूजा में गांव आते थे तब दे पाते थे। हमको लगा कि अगर पिछला साल का नहीं दियोगे तो इस बार डबल ट्रिपल दे देना एक के बार में। कोई बात नहीं, दे दिया। मना किया जाता है एक आध बार, मना करो माँ, एक आध बार दिए तो बोलो कि ना ना रहे दो, हमारा का जरूरत बा। बाकी हम तुरंत चेंज कर लिए सब कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा हमको गर्मी लग रहा था और उसको पड़ रहा था, और ऐसे नया साड़ी थोड़ा जूठा करने में भी वो लग रहा था, इसलिए हम चेंज करके अब मस्त होएंगे, खाना पीना खा के मस्त हो गए, अब बस सोना है। और करवा चौथ का जो छोटा मोटा छोटा जो छोटा ब्लॉग है जो इसमें नहीं है, या फिर खाना पीना का ब्लॉग, मम्मी वाला चैनल पे जाके जल्दी से देखने बोलो। जो भी कुछ सीन छूट गया वो मम्मी के चैनल पे है। जैसे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो ताकि घर में कुछ पार्टी उटी हो। हाँ, मम्मी से पार्टी लेने का बहाना खोजते हम लोग, तो 1000 होगा तो फिर मांगेंगे। 125 कम है, तो जल्दी से ना जाके लोग सब्सक्राइब करे। सब्सक्राइबर हुआ था तभी हम लोग पार्टी मांग रहे अभी, लेकिन बाकी 100 है तो 100 कम्प्लीट किया जाए, और इस ब्लॉग को यहीं पे कर दो खत्म, क्योंकि सामान दे दी मम्मी। अगला ब्लॉग में इसको पहन के दिखाएगी, वो भी वो अपने चैनल पे ही।